हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो है हम एप्पल तोड़ने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। एक्चुअली सारे एप्पल नहीं तोड़ रहे हैं, टाइडमैन तैयार हो गए, तो टाइडमैन को तोड़ा जा रहा है। आज टाइडमैन का तोड़ान हो रहा है और थोड़े से ये तो पापा जी, मतलब मम्मी पापा जी, वो खुद ही करेंगे। बुलाया नहीं है फिर किसी को, क्योंकि फिर एक दिन के लिए क्या ही बुलाना था किसको। तो अभी जो है पापा जी जा रहे हैं, थोड़ी पूजा का वो मतलब नहा गए हैं वो ना, और वो अभी पूजा की वो थाली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा पूजा वगैरह कर लेते हैं। एक तो इसलिए भी कि मतलब अच्छे से हो जाए, चोट ना लगे, कुछ ना हो, इसलिए भी मतलब पूजा वगैरह करते हैं, और दूसरा रेट्स अच्छे मिल जाए इसलिए पूजा करते हैं। तो पापा जी बस वही पूजा की थाली तैयार कर रहे थे कि जो भी काम शुरू करे चलो भगवान का नाम लेके शुरू कर देते हैं। और मैं ना अभी सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी मैं होती हूँ ना, तो मैंने सोचा व्लॉग बाद में स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट कर देती हूँ यार, नहीं तो बात करते करते ना आप काम में इतने बिजी हो जाते हो कि मेरे को ना टाइम ही नहीं लगता फिर उसके बाद। और अभी भूवू को मम्मी नहला रहे थे, तो भूवू का नहाई धोई चल रहा है और मैं अभी निकल रही हूँ फटाफट से झाड़ू लगाने के लिए। तो चलो फिर चलते किचन की ओर। पापा जी ने शायद पूजा कर ली होगी, कि पूजा की थाली प्रिपेयर कर रहे थे मतलब वो जब मैं इधर के लिए आई। तो बस पापा जी अब निकल रहे हैं यहाँ से पूजा करने के लिए, और एप्पल तोड़ के लाएंगे थोड़े से, फिर थोड़ी बहुत पहले वो भगवान के लिए चढ़ाएंगे, फिर बाकी का तोड़ान स्टार्ट होगा। तो आज मौसम काफ़ी साफ साफ है, धूप लगी हुई है, और मम्मी ने गाय आज बाहर को छोड़ी है यहाँ। यार यहाँ पे ना फूल भी था एक, पता नहीं खातून लिया इसने। एप्पल का सामान निकल चुका है, एप्पल तोड़ने के लिए सामान निकल चुका है। कितना हरा भरा हो गया आजकल सब कुछ बरसात में। गाइस थोड़ी देर भूवू के साथ मैंने भी रेस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने लंच किया और अब दोबारा चले गए मम्मी और पापा जी सेब तोड़ने के लिए। मम्मी तो शायद घास बना रहे होंगे, और मैं भी फिर थोड़ा बिजी हो गई थी काम में अपने किचन के, क्योंकि वो लोग बाहर का काम करते हैं, फिर मैं थोड़ा अंदर का करती हूँ, खाना वाना बर्तन वर्तन, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो किचन से ना फ्री नहीं हुआ जाता। मतलब थोड़ी देर और खड़ी रहूँगी ना तो मुझे कोई और काम दिख जाएगा, इसलिए मैं बाहर ही निकल रही हूँ अभी यहाँ से। इतना इरीटेट हो जाते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, सब कुछ भी हो जाएगा ना, उसके बाद भी कोई ना कोई काम दिख ही जाता है कि हाँ ये रह गया ये रह गया, इसलिए छोड़ो अब बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कि कितने से पैक हुए कितने नहीं। और ना भूवू के साथ इतना टाइम हो जाता है, इसको बड़ी मुश्किल से सुलाया अभी, तो ये थोड़ी देर ले रही है अपना क्विक नैप, क्योंकि ये थोड़ी देर में उठ जाएगी शायद, या पता नहीं, कई बार ये सो भी लेती है थोड़ी देर, एक घंटा भी सो जाती है कई बार, कई बार 5 मिनट में भी उठ जाती है। तो चलिए जब तक भूवू मुझे थोड़ा रेस्ट टाइम दे रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि देख के आती हूँ कि कितने घर सेब निकाले उन्होंने। वैसे तो वो भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी धूप थी ना आज, तो वो लोग भी थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे, उसके बाद काफ़ी लेट गए वो भी। ये रहा जी हमारा एप्पल स्टोर, काफी साफ किया हुआ है। इसमें है थोड़ी नाशपाती और ये थोड़े छांटे हुए जो खराब है। यहाँ पे स्प्रे का सामान है, ये हमारा ज़्यादातर सेब के लिए यूज़ होता है। इस साल ना सेब थोड़े कम ही है, आई थिंक ये तो टाइडमैन तो बहुत ही कम होंगे शायद, लेकिन दूसरे वाले सेब भी, रॉयल वगैरह, ये भी सारे कम ही है, काफ़ी कम है। हमारे नहीं, आई थिंक हमारे एरिया में यहाँ सबके काफ़ी कम लगे हैं इस बार सेब, और मेरे मायके में भी कम ही लगे हैं। पापा भी बोल रहे थे कि वहाँ पे भी काफ़ी कम है सेब, और जिनके लगे किसी के बहुत अच्छे भी लगे हैं शायद से। आई थिंक पैकिंग भी पापा जी और मेरे हस्बैंड ही करेंगे,
क्योंकि कितनी थोड़ी सी निकलेगी ये, शायद 5-6 पेटी निकलेगी, तो जितनी भी निकलेगी तो वो दोनों ही पैक कर लेंगे आई थिंक। वो आज जल्दी आ जाएंगे शॉप से, उसके बाद ये वाला ही काम कर लेंगे वो आज। मैं भूभू को इसमें घुमा रही थी थोड़ी देर पहले, अभी सोई है वो, अब उठ जाएगी थोड़ी देर में। तो जब तक भूभू सोई है दाल भी डाल लेती हूँ, प्याज वगैरह भी करके रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब उठ जाती है फिर उसी का ही होता है सब कुछ। और आज डिनर में बना रही हूँ मैं राजमा, तो उसको भी लगा ही देती हूँ गैस पे, होती रहेगी धीरे धीरे। और ये सुबह सुबह पूजा की थाली थी, ये भी यहीं पड़ी है, मुझे क्लीन करना पड़ेगा अभी सब कुछ। और ये मैंगोस, ये भूफू का सामान, ला ला के बज चुके हैं 9, और अब मैं जा रही हूँ स्टोर की तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँची ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ये क्लिप लेके जा रही हूँ, भूल गई थी, और टॉर्च जला लेती हूँ, नाग देवता भी होते हैं आजकल। डर है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं? तू भी ग्रेडर और पैक कर रहा है? कितने बैठे पड़े नीचे डालने सारे ऐसे? क्या करो तुम्हें ग्रेडिंग का अलग भर नीचे डालने से तुम्हें पता लग जाता है दो पेटी ना एक ही दिन बाद नहीं डालनी इसमें, पर होना चाहिए ए ग्रेडर बी ग्रेडर नहीं होना चाहिए। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है ऐसे कर। भरी तुमने इससे पहले पेटी? क्या झिरिया जैसी काटी? कैसे झिरिया? ऐसे तो नहीं सेपरेटर काट दिया छोटे छोटे। अच्छा सेपरेटर वो नहीं है? है नहीं काटे हुए नहीं है पता है ना कैसे होते हैं? हाँ जी कैसे इसे बीच में लगाते हैं? अरे ऐसे काटे हुए छोटे छोटे? हाँ बीच में लगाते हैं। हाँ। काफी टाइम लग जाएगा बड़ी दो इतने पैसे भेज रहा है बैठे रोने इतने माँ को भी मीठे ना लगे। तो गाइस थोड़ी देर उनके पास गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिनर कर लिया क्योंकि भूवू भी सो रही थी। फिर हमने डिनर कर लिया मैंने और मम्मी ने, भूवू को भी सुला दिया है, और अभी मैं फ्री हुई हूँ बर्तन वर्तन धो के। और अब तो 10 बज गए हैं, और अब मैं सोचूँ थोड़ी एक एक राउंड मार के आती हूँ कि कितना रहा उनके और कितना हो गया, देख के आती हूँ और फिर जाके सो जाती हूँ, क्योंकि भूभू का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी उठ जाती है और फिर वो सोती ही नहीं है बहुत टाइम तक।
नाइस गुड गुड खिड़की को पर ना वो आएगी तितलियां अंदर इसमें अच्छा एक रेडी कर भी दी मैंने सोचा एक में लगे वाला एप्पल जो हम ड्रॉ करते हैं है ना ये बिकता है इससे ज्यादा कई रखते पत्ती बिल्कुल टॉप इस पे मतलब लुका की अच्छी ज्यादा तो क्या रखते हैं कई रखते एक एक पत्ती स्पेशल टॉप के लिए गजब का वाला गजब चलो कीप अप द गुड वर्क मैं तो चलती हूँ गुड नाइट और अब हमारी ये सारी पेटी जो है ये रेडी टू डिस्पैच है और ये सुबह सुबह डिस्पैच होगी क्योंकि ये काफ़ी लेट रात को ख़त्म हुए थे कम से कम 12 या 1 तो बज ही गया होगा इनको ये सारी पेटी भरते भरते और अब मैं ये व्लॉग एप्पल व्लॉग छोटा सा यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये वाले एप्पल रेडी हो गए थे अब बाकी के एप्पल का तो उड़ान कुछ टाइम बाद होगा तब तो मिलते हैं नए व्लॉग में बाय बाय।